हेलो ऑल। आज हम करेंगे स्केच की एक्सरसाइज नंबर 2, और वो हमें कुछ इस तरह की ड्राइंग क्रिएट करनी है। इसके अंदर आप देखेंगे तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो स्मॉल और इक्वल सर्कल है, देन लाइन कमांड से लाइन बना रखी है जिसका डाइमेंशंस गिवन है। और देखो, सबसे पहले हमें ड्राइंग रीड करनी आनी चाहिए। यहाँ डाइमेंशन हर लाइन का, हर सर्कल का गिवन नहीं है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर जो मेरा बिग सर्कल है उसकी कोई डायमेंशन गिवन ही नहीं है, तो उसको फाइंड आउट कैसे करना है? तो यहाँ पर देखें तो ये सेगमेंट 50 का है। ओके, फिर उसके बाद बाकी दो सेगमेंट गिवन ही नहीं है, तो ये मान के चलना है कि ये बाकी सेगमेंट इक्वल है, इस वजह से ही गिवन नहीं है। तो ये 50 है, ये 50, ये 50 है, तो कितना हो गया? 150। और ये तीनों मिलाकर इसके डायमीटर के इक्वल है, तो ये बड़े वाला कितने साइज का बन गया सर्कल? 150 mm का। ओके, देन स्मॉल वाला जो सर्कल है उसका गिवन नहीं है फिर से डायमीटर ना रेडियस, बस ये बता रखा है कि ये जो आउटर है और इनर है उन दोनों के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है वो 35 mm गिवन है। ओके, देन यहाँ पर मेरे को दो छोटे सर्कल गिवन है और उनमें से एक का गिवन है डायमीटर 25, तो ये आपका 25 हो गया, इट मीन्स ये भी 25 हो गया। ओके, तो अब इसको हमें क्रिएट कैसे करना है? हम गए पे, मैंने फ्रंट को सिलेक्ट करा, स्केच में गए, सबसे पहले मैंने सर्कल बना लिया। मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था कि मेरा ये 150 का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा पैन करते हैं, लाइन कमांड में गए, यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, कुछ इस तरह की ड्राइंग गिवन थी। ये हमने ये ड्राइंग क्रिएट कर दी जो लुक लाइक वैसे है लेकिन डायमेंशनली परफेक्ट नहीं है। तो अब हम इसको डायमेंशन दे देते हैं, ये कितना है? 200। ओके, और हम इसको कंस्ट्रेंट पुट कर देते हैं कि ये वाली एज और ये वाली एज दोनों इक्वल होनी चाहिए, इक्वल डायमेंशंस की। तो ये देखो यहाँ कंस्ट्रेंट के अंदर इक्वल है, इसको क्लिक करा, मैंने कहा ये वाली एज और ये वाली एज इक्वल होनी चाहिए, वो इक्वल हो गई है। ठीक है, आपको चेक करना है हुई नहीं हुई क्योंकि कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए, तो ये देखिए 200। ठीक है, अब मैं इसको एंटर भी करता हूँ तो ये डिम रहेगी। ठीक है, यहाँ ओवर कंस्ट्रेंट नहीं हुआ लेकिन क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक इक्वल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है तो यहाँ डायमेंशन उसने डिम कर दी, वो जो ये शो करने के लिए कि आपने ऑलरेडी एक डायमेंशन शो कर रखी है तो इस डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो ये डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। देन डायमेंशन मुझे इसकी गिव चाहिए, इसकी मेरे को डायमेंशन है 50। तो अब मुझे फिर से क्या इन तीनों को 50 करना है, तो मैंने इक्वल करा, मैंने कहा ये और ये 50 चाहिए और ये भी 50 चाहिए। ठीक है, तब यहाँ पर उसने ओवर कंस्ट्रेन कर दिया, इट मीन्स यहाँ पहले से ही ये 50-50 ऑलरेडी हो चुके होंगे क्योंकि ये वर्टिकल है, इसके मिड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये जितनी हाइट आएगी वही हाइट आएगी क्योंकि ये इसके दोनों ही टेंजेंट हैं यहाँ पर देखोगे तो। ठीक है, तो हम इसको बैक कर देते हैं और अब डायमेंशन में रीचेक कर लेते हैं, ये 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, देखो दो बहुत हार डिम बिकॉज ऑलरेडी कंस्ट्रेंट पुट है तो ये इक्वली आना है। अब ये वाली डायमेंशन 70 mm है, इसको 70 कर दिया तो ऊपर वाली अपने आप 70 हो गई क्योंकि कंस्ट्रेंट पुट है इन सब की वजह से। अगर हम कंस्ट्रेंट सारे ये सारे कंस्ट्रेंट ऑलरेडी जो लगे हुए वो सारे हटा देंगे जो इसके ऊपर लगे हुए हैं तो वो अलग अलग डायमेंशन अलग अलग एंगल पे जा सकती है। तो ये अब यहाँ पर मुझे दो सर्कल बनाने हैं। अब सर्कल देखो किस तरह से, सर्कल में कोई भी डिस्टेंस गिवन नहीं है कि ऊपर नीचे से कितना है, बट ये गिवन है कि इस लाइंस के से यहाँ पर 35 है, तो ये मान के चलो कि देखने में ये मिड पॉइंट है, अदरवाइज यहाँ गिवन होता कि डायमेंशन कितनी है। तो मुझे यहाँ मिड पॉइंट से यहाँ लाइन चाहिए, यहाँ लाइन चाहिए और यहाँ से इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन चाहिए। तो सबसे पहले गए लाइन में, यहाँ से यहाँ चाहिए एक लाइन,
यहाँ पर हम आएंगे, ऑलरेडी देखना यहाँ मिड पॉइंट ऑन होगा, ठीक है, तो यहाँ आएंगे देखो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट शो करना चाहिए। अच्छा वो लाइन कमांड में आना है हमें, ये देखो ये बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको, और यहाँ पर इधर की साइड में यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल भी नज़र आएगा मिड पॉइंट का, देखिए मूव हो रहा है, तो ये बता रहा है कि ये मिड पॉइंट है, मैं इधर करूँगा तो ये मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, यहाँ मिड पॉइंट शो कर रहा है। और देखो यहाँ कंस्ट्रेन में भी यहाँ इसका मिड पॉइंट होगा, देखो ये रहा मिड पॉइंट, ओके, तो ये मिड पॉइंट पे क्लिक करा, जितनी डायमेंशन रिक्वायर्ड थी वो करा, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही आए मिड पॉइंट और ये, ठीक है, अब डायमेंशन देते हैं, ये डायमेंशन कितनी चाहिए हमें 35, और ये डायमेंशन और ये इक्वल होनी चाहिए। अब देखो इसको देख के इसने ऐसा कर छोटा हो गया, ठीक है, वो क्यों हुआ है, बिकॉज ये 35 mm की जो मैंने डायमेंशन दी है ये मैंने दी है, सिस्टम जनरेटेड नहीं है, तो जब यूज़र कोई डायमेंशन देता है तो सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग डायमेंशन मानता है और उसको वो किसी भी हालत में चेंज नहीं करेगा, ओके, ये वाली जो लाइन थी इसकी जो डायमेंशन थी वो एक सिस्टम जनरेटेड थी, हमने कहीं पर भी क्लिक कर दिया था, तो ये वीक डायमेंशन है, तो जो यूज़र ने जो डायमेंशन दी है उसके रिस्पेक्ट में ही वो चेंज होगी, ओके, और यूज़र डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगी, अगर चेंज कहीं होती होगी तो वो ओवर कंस्ट्रेन करके रेड कलर करके शो करेगा कि ओ इस ये डायमेंशन नहीं दे सकते यार, ये दोगे तो कहीं ना कहीं दूसरी कंस्ट्रेन वॉइड कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर मुझे सर्कल बनाना है, सर्कल बनाया, डायमेंशन देनी है सर्कल की, ये है 25 डायमीटर का, और इसको इक्वल करना है किसके, अच्छा यहाँ तो अभी हमने बनाया ही नहीं, तो एक और सर्कल और इसको इसके इक्वल कर, ये बोथ 25 के हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये तीन लाइनें शिफ्ट दबा के मैंने मल्टीपल सिलेक्शन करा, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसको क्लिक कर दिया, ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट हो गई, क्या चीज हुई, कोई कमांड एक्टिवेट हुई ना, ओके लो, ये अब जो आपको फेड डायमेंशन दिख रही है वो ऑलरेडी हमने कहीं और दे रखी है, यहाँ पर है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2 की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। नहीं, अभी एक सर्कल और है, देखिए इस ड्राइंग के अंदर एक स्मॉल सर्कल है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है बिग वाले के ही, और उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 35 लेस देन बिगर वन, तो हमने इसको उठाया पिक करा, यहाँ पर कोई भी मैंने एक सर्कल बना दिया, मैं डायमेंशन ले रहा हूँ, देखो सर्कल की मैं पहले क्लिक कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर डायमीटर दिखा रहा है, लेकिन मैं फिर दूसरा सर्कल ले रहा हूँ तो उसके बीच का लीनियर डायमेंशन दिखाएगा, ये मुझे कितना करना है 35, तो ये 35 हो गया, इसको थोड़ा ड्रैग करके इधर करते हैं, थोड़ा देखने में ठीक लगे, ये आपकी अब ये ड्राइंग ये रहा, अब इसके साथ मैच करिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 है फॉर स्केच वर्क।